हेलो गाइस, फिर से मेरा एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग देखिएगा आगे कैसा हो रहा है। जा रहे हैं लोग कुछ कंप्यूटर में, फिर देखेंगे ब्लॉग व्लॉग, उसके बाद से जाएंगे वीडियो बनाने। उसके बाद से वीडियो वीडियो बनाएंगे। आज कुछ पवन सिंह के ऊपर बोलने वाले हैं हम ब्लॉग में, तो देखिएगा जरूर ये ब्लॉग। अब कहने आपसे पीछे में देखेंगे जाके कंप्यूटर में, तो वो देखने आए हैं और ब्लॉग और देखेंगे, और उसके बाद से चलेंगे थोड़ा देर के बाद वीडियो बनाने। यहाँ पे अमित और यहाँ पे और सब आंधी जाएंगे, और बैग से आपको आज दिखाई दे रहा है। ब्लॉग देख रहे हैं बैग से, तो आप लोग को दिखा चुके हैं बैग से कितना ब्लॉग हेवी लग रहा है इसमें देखने में, तो मजा आ रहा है। और यहाँ पे एंड करते हैं, सब जान सकते हैं हम कंप्यूटर में से देख के कर चुके हैं ब्लॉक। लाइन कट गया तो अब हाँ देखिए हाई करिया था, हाई करिया था, हाई करिया था, हाई देखिए कितना करिया है, बाबरे तो भूच भूच है करिए। हाई देखिए पाठी एगो पोछा है, कहाँ है पाठी? हाँ है, देखिए पाठी हाई करिया का है। सकते हैं हम लोग अपना अपना हुलिरिया से, यहाँ पे केटीएम बाबा से भी मुलाकात हो गया। इनका नाम क्या है? सत्य। हम ब्लॉक में बार बार भूल जाते हैं। यहाँ पे धीरज कुमार, हम लोग फाइनली चल रहे हैं वीडियो बनाने, और उसके बाद से आपसे मिलते हैं वीडियो बनाने। अमित को भी ले रहे हैं लो हम लोग, और चलते हैं थोड़ा वीडियो वीडियो बना दें। और पवन सिंह पे कुछ दो तीन लाइन ब्लॉक में आज बोलेंगे, बाकी बोलेंगे भी मिल गए हैं यहाँ पे मेरा, और चल रहे हैं लोग थोड़ा वीडियो बनाने, और उसके बाद से आपसे मिलते हैं करते हुए यहाँ पे। तो देखिए गाइस, हम ब्लॉग में बोलने वाले थे पवन सिंह के बारे में, तो हम बोल लोग कहता है कि अरे साला मैं इसका फैन हूँ, मैं उसका फैन हूँ। फैन से नहीं मतलब है, फ्रेंड फैन फैन होता है, बिग फैन ई फैन। बाकी कलाकार लाइन में ये है कि आप कितना भी किसी कलाकार से काहे ना विरोधी रहे, एक ना एक दिन आपको एक होना ही रहता है, और एक नहीं होंगे तो कुछ नहीं होंगे। कहता है लोग कि अरे इस साथ ले जाके मुझको स्टेज पे और करवा दिया पावर स्टार पवन सिंह। कहते हैं झमकौला से हुई पावर एजेंस शुरू खत्म, झमकौला से खेसारी लाल यादव हई हो, तो वो स्टेज पर उतना होता रहता है भाई कलाकार के बीच, वो होगा और होता रहेगा उतना। बाकी अब नहीं होगा, अब दोनों जान तहरा जैसन भाई कहाँ, तहरा जैसन यार कहाँ, सब हो रहा बटे स्टेज पर। आप देखे कैले हो यूट्यूब पर, और वो भी पूरा होटल उटल में किस उस लिए हैं सब, उनके गाल पे सब चीज़ है, और दोनों जान फिर एक हो गए हैं, और एक साथ हैं, और एक हो गए हैं, और एक साथ मिले हैं, सब चीज़ किए हैं। पर ये नहीं कि नहीं होंगे, बाकी होंगे खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, वो तो होखबे करेंगे एक ना एक दिन, सब लोग होगा। कितना भी सामने पब्लिक के सामने कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ बोल, बस पूरी इंडस्ट्री है एक होकर रहना है। जैसे अरविंद है, अरविंद कल्लू सिंह को, कल्लू सिंह क्या बोले थे कि अरे साला ते हूँ आई बड़ी स्टेज पर, तो वो बोले थे क्या कि अरे हमार नाम गिरावे में तो नहीं सुना लग, उठावे में इतना मेहनत लगेला, नाम गिरा दिला भाई हो, फिर तो एक हो ही गई। इतनी इतनी बात के लिए झगड़ा बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, तो उतना ही शांत हो गया। और ये कल्लू खेसारी लाल यादव जो बोले थे, ये वो सब पवन सिंह को, वो पवन सिंह को स्टेज पर बोले थे, वो कहें कि जो भी बात है हम दोनों भाई हैं, हम दोनों भाई हैं तो हम कॉल पे बात कर लेंगे, कहाँ जरूरी है दर्शक के बीच में ये भी विरोधी हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो हम दोनों लोग एक ही साथ रहेंगे, एक ही बात करेंगे, ये फ़ोन पे कॉल लेंगे। तो आप ये वो छिटके, और अरे फैनों तो बहुत हो गया विरोधी पवन सिंह का कि अरे सला हम तो हम पवन सिंह का ही थे फैन, बिग फैन थे, ई फैन थे, बाकी यार खेसारी के साथ फिर मिल गए, तो वो तो मिलना ना एक दिन ना मिलना ही है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलेंगे। जाके स्टेज शो पे वो तो मिला है, और उनको अवार्ड मिला है कौन कौन, एगो सिंगर वाला, एगो एक्टर वाला अवार्ड मिला है वो ऐसा। पवन सिंह का गाला है भाई, गाला जो कहते थे गाला, वो गाला है तो वो मिलवे करेगा, काहे कि पावर स्टार पवन सिंह नहीं मुकाबला से हुई पार एजा शुरू लजा खत्म। और कहला लोग कि जैसे भाई जौन गाना है, जौन आवेला गाना वो भोजपुरी में पवन सिंह के ट्रेंड होगा, तो वह बात बा, तो ऐसा बात नहीं है, सब होता रहता है, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, मिलना तो एक दिन ना एक दिन हम है जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में
मेरा एक छोटा भाई है, तो वो हम दोनों से झगड़ा हो गया तो कहीं ना कहीं मिलबे करेंगे, कोई ना कोई हमको मिलाइबे करेगा तो मिल जाएंगे, बात खत्म यहीं पे। तो फिर ये कहते थे स्टेज पे, वो कहते थे स्टेज पे जाके, वो कहें पर ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना आप लोग ना भूलें, और मिलते हैं फिर आपसे अगला ब्लॉग में।